हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया लेक्चर चालू कर रहे हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का। सो लेट्स स्टार्ट। फाइन, सो वी आर स्टार्टिंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो एक बार देख लेते कि अपने पिछली वीडियो में क्या क्या देखा था। हमने पिछली वीडियो में देखा था डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, कि कैसे जो पावर्स हैं एडमिनिस्टर करने की, एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स का क्या मतलब है। एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स का मतलब कि किस तरीके से जो है हम इस कंट्री को रन करने की जो पावर है उसको बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या एडमिनिस्ट्रेशन की पावर। ठीक है, कि हम कैसे अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं। तो ये जो पावर्स हैं ये किस तरीके से डिवाइडेड है, हमने ये पढ़ा था। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा डायरेक्शन टू द हाँ, और हमने इसमें ये भी देखा था कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास कंपैरेटिवली स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी ज्यादा पावर्स होती है। तो और ये भी हमने देखा था, और किस तरीके से जो है किन किन फील्ड्स में यूनियन गवर्नमेंट की जो है स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर्स होती है या फिर वो एक्सेल करता है पावर्स में, वो सब हमने इन पॉइंट्स में देखा था। ये जो 5-6 पॉइंट्स है हमने उसमें देखा था। तो पहला पॉइंट जो था वो डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, कि जरूरत पड़ने पे जो है हमारा यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकता है, बता सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सेकंड क्या है, इंटरेस्ट सम वर्क्स ऑफ यूनियन सब्जेक्ट्स टू द स्टेट। ठीक है, कुछ जो कुछ काम जो है यूनियन सब्जेक्ट का वो स्टेट को दे सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट सम वर्क ऑफ यूनियन सब्जेक्ट्स टू द स्टेट। ठीक है, मतलब कुछ चीजें जो यूनियन के सब्जेक्ट्स में है उसको स्टेट्स को दे सकता है कि भैया स्टेट तुम एडमिनिस्टर करो इस चीज में। ऑल इंडियन सर्विसेस, मतलब कि IAS और IPS, ये जो एग्जाम्स होते हैं इनके, ठीक है, या फिर इसमें जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको भी कौन सिलेक्ट करता है, उनको भी कौन कंट्रोल करता है, यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट की अगर हम पैसों के मामले में भी देखें तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है जो पूरे इंडिया से आ रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट में भी अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री पावर्स जो है वो भी किसके पास ज्यादा है, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। मेक लॉस ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, तो अगर स्टेट लिस्ट में अगर जो है कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी जो है यूनियन गवर्नमेंट लॉस बना सकती है अगर इस तरीके का सरकमस्टेंसेस हो जाए देश में तो। ठीक है, जैसे कि कैसे सरकमस्टेंसेस हो जाए, जब जो राज्यसभा है काउंसिल्स ऑफ स्टेट जो है वो डिक्लेयर करते कि तो मतलब हाँ, कोई भी सब्जेक्ट में कोई ऐसी कोई भी लिस्ट में, मतलब जो स्टेट लिस्ट है अगर अपन बात करें तो स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि पूरे नेशनल इम्पोर्टेंस का बन जाए फॉर सम रीजन, तो क्या होगा कि उसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी टॉपिक है जो महाराष्ट्र की है, ठीक है, उससे से महाराष्ट्र के लोग ही अफेक्ट होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद सम रीजन, विद सम यू नो सरकमस्टेंसेस, वो एक रीजन पूरे इंडिया के लोगों को या फिर महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को भी जो है अफेक्ट करने लग जाए। तो इसमें अब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो आके चीजों को ठीक कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। सेकेंड क्या है, व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, ठीक है, हमने इमरजेंसी के बारे में पहले भी पढ़ा है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट, तो हम एक और बार पढ़ रहे हैं कि अगर पूरे देश में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे प्रेसिडेंट तो क्या होगा। ऐसे टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनको भी यू नो एडमिनिस्टर कर सकती है, उनके ऊपर भी लॉस बना सकती है। थर्ड क्या है, व्हेन द स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल एंड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट हैव बीन ट्रांसफर टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए जब जो स्टेट है वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर हो, ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट के वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है आई थिंक सो, जब जो कोई एरिया है वो ऑलरेडी किसके अंडर हो, अपने यूनियन गवर्नमेंट के अंडर हो, तो ऑब्वियसली बात है तब तो वही लॉ बनाएगी। ठीक है, फोर्थ क्या है, इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इटसेल्फ पासेस अ रिजोल्यूशन दैट पार्लियामेंट शुड enact a law on a particular subject, कि अगर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खुद ये बोल दे कि भैया ये जो चीज है इस पे हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि फॉर सो एंड सो रीजन, और वो खुद ही पार्लियामेंट को वो चीज दे दे कि भैया तुम इस पे
डिसीजन ले लो, तब भी क्या पार्लियामेंट क्या कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस थे जब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी कौन इंटरफेयर कर सकता है, यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। तो ये सारी चीजों से हमने देखा कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो किस तरीके से डिवाइडेड है अपने यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में, और कैसे यूनियन गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो कुछ ज्यादा है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं आज की वीडियो में। सो देयर आर, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वी नो दैट। ठीक है, तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच फ्रेम्स लॉस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव। याद रखना कि लॉ लेजिस्लेटिव, बोथ स्टार्ट विथ एल, तो याद करने में आसानी होगी। मैंने देखा है कि भाई लोगों को ये तीन यू नो ऑर्गन्स तो पता रहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों चीजें पता रहती है लोगों को, लेकिन ये नहीं पता रहता कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव डिफरेंस क्या है। जुडिशरी तो चलो पता रहता है कि भैया ये तो जज, जुडिशरी नाम से समझ आता है, लेकिन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि लॉस फ्रेम करने का, लॉस बनाने का हक किसके पास होता है, लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर के पास होता है। एल फॉर लॉस, एल फॉर लेजिस्लेचर, इजी फॉर रिमेंबर। ओके, सो दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच फ्रेम लॉस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। अब आगे देखते हैं, दैट ऑर्गन विच इन्फोर्सेस द लॉ एंड इंश्योर्स दैट आर अलाउड इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ एग्जीक्यूटिव क्या है। तो एग्जीक्यूटिव क्या हुआ, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब कि वो जो लेजिस्लेचर ने लॉस बना दिए, ठीक है, लॉस बन गए, अब एग्जीक्यूटिव का काम है कि इस लॉ को वो इन्फोर्स करे। इन्फोर्स करे मतलब कि ये लॉ को सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे भाई पूरे देश में कि भैया ये लॉ अब से लागू हो चुका है और ये ही अब फॉलो होगा, और अब उसको मेंटेन करे कि क्या ये लॉ को लोग सीरियसली ले रहे हैं, क्या लॉ को फॉलो किया जा रहा है, और नहीं किया जा रहा तो फिर उस पर क्या हमें जो है स्टेप्स लेने हैं, उस पर क्या हमें पनिशमेंट देनी है, व्हाटएवर, वो तो अगेन जुडिशरी को चली जाती है। बट दैट्स द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव कि जो लॉस लेजिस्लेचर ने बना दिया अब उसको इन्फोर्स करना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, या फिर कह सकते हैं उसको मेंटेन करना देश में, ठीक है, उस पर क्या, उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो सिंपल है, लेजिस्लेटिव, एल फॉर लॉ, एल फॉर लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव, E for execute, नाम से समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना, ठीक है, एंड जुडिशरी, वी नो दैट उसका क्या काम होता है, अगर कहीं पे भी डिस्प्यूट हो जाती है, चाहे लोगों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, सोसाइटीज के बीच में, या फिर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, तो कौन उसको, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, जुडिशरी। ठीक है, सो और फिर ये जो लास्ट ऑर्गन के बारे में अपन देख रहे हैं, सॉरी, ठीक है, ये तो लास्ट ऑर्गन के बारे में था, द ऑर्गन विच पनिशेस दोज हु डू नॉट फॉलो ओबे देम इज कॉल्ड द जुडिशरी। ठीक है, मैंने बोला कि भैया जो इन लॉस को फॉलो नहीं करते या इन लॉस को मेंटेन नहीं करते, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, इवन वो मेंबर गवर्नमेंट का हो, कोई यू नो कोई ऑफिसर हो, कोई भी हो, या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, कोई नॉर्मल सिटीजन हो देश का, तो अगर वो इन लॉस को फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा, उसको जुडिशरी के सामने पेश किया जाएगा और उसको सजा मिलेगी, और यही काम किसका होता है, जुडिशरी का। दीज थ्री ऑर्गन्स मेक अप गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही तीन ऑर्गन जो होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं। समझ में आ गया, लेजिस्लेचर मतलब लॉस बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब उन लॉस को एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी मतलब कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको सॉल्व करना, या फिर विक्टिम मतलब उसको सॉल्व करना और लोगों को पनिश करना। ठीक है, देन व्हाट, लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर में हैव वन और टू हाउसेस। ठीक है, तो अभी हम लेजिस्लेचर के बारे में जरा डिटेल में देखेंगे। सो लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर हैव वन और टू हाउसेस। ठीक है, लेजिस्लेचर के पास क्या होता है, एक या दो हाउसेस होते हैं। वेयर देयर आर टू हाउसेस, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लोअर हाउस एंड द सेकंड वन अपर हाउस। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का क्या है कि एक हाउस हो सकता है या दो हाउस हो सकता है, लेकिन जहां पे दो हाउस होते हैं वहां पे पहले वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट वन को क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और सेकंड वन को क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। ठीक है,
तो याद रखना, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लोअर हाउस एंड द सेकेंड वन अपर हाउस. द लेजिस्लेचर परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट वंस आर. ठीक है, तो भाई लेजिस्लेचर बहुत फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसके फंक्शंस अब अपन देख रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फ्रेमिंग लॉस, वी नो दैट. ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है लेजिस्लेचर का, क्या, लॉस को फ्रेम करना. ठीक है, द लेजिस्लेचर प्रिपेयर्स लॉस फॉर प्रॉपरली गवर्निंग द कंट्री. ठीक है, तो लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉस को प्रिपेयर करता है किस लिए, कंट्री को गवर्न करने के लिए. राइट, तो लेजिस्लेचर प्रिपेयर्स लॉस फॉर प्रॉपरली गवर्निंग द कंट्री. ठीक है, सेकेंड उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज है जो बदलनी चाहिए या फिर पुरानी हो गई है या अभी के सरकमस्टेंसेस से मैच नहीं हो रही है, तो उस चीज को बदलने का काम भी किसका है, अपने क्या बोलते हैं, अपने लेजिस्लेचर का ही काम है वो भी, है ना. तो ये भी देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर्स ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू द लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट मेक नेसेसरी अमेंडमेंट एज पर नीड्स. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास होता है भैया पावर, कॉन्स्टिट्यूशन गिवन पावर किसके लिए, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट समझ रहे हो ना, इस वर्ड का मतलब है अपडेट. ठीक है, कोई भी चीज अपडेट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो भी कौन करेगा, लेजिस्लेचर करेगा. ठीक है, और ये काम पार्लियामेंट करता रहता है एज पर नीड्स. ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं जो अपना लेजिस्लेचर करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. ठीक है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में क्या है, द लेजिस्लेचर ऑल्सो डिस्चार्जेस द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. तो जो लेजिस्लेचर है अपना वो ऑल्सो डिस्चार्जेस द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. मतलब कि इसके पास ये पावर भी होती है कि ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो अपन ने देखा लेजिस्लेचर के बाद दूसरा ऑर्गन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है, ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, लॉ ये बना रहे हैं, लॉ को देखना कैसे है, वो एग्जीक्यूटिव देखता है. तो कहीं ना कहीं कुछ पावर्स जो है लेजिस्लेटिव को मिलनी चाहिए कि उनके बनाए हुए लॉस को मेंटेन कैसे किया जा रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव. तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कंट्रोल फील करते हैं किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर. तो ये याद रखना, द लेजिस्लेचर ऑल्सो डिस्चार्ज, सॉरी, डिस्चार्ज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, अगर हम एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए. रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर मतलब कि उसको जवाबदारी देनी पड़ेगी, उसको ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, कोई भी चीज अगर गलत हो जाती है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसको रीजन देना पड़ेगा लेजिस्लेचर को. ठीक है, तो बेसिकली ये चीज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर एक जैसे इंडिया में है, तो अगर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेचर को. मतलब किसको जवाबदारी देनी पड़ेगी, लेजिस्लेचर को. ठीक है, ये याद रखना, दस लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. और इसीलिए लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल एक्सरसाइज करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लेजिस्लेचर, टू डिसाइड पॉलिसीज फॉर स्टेट एंड द गवर्नमेंट. ठीक है, ये तो है कि भैया लॉस पॉलिसीज तो एक ही बात हुई, चलो ठीक है, एक नया पॉइंट बनाया है इन्होंने, तो पढ़ लेते हैं कि जो है स्टेट और गवर्नमेंट के लिए नई नई पॉलिसीज भी कौन सोचता है, हमारा लेजिस्लेचर ही सोचता है. तो लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ डिसाइडिंग पॉलिसीज. ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो, सॉरी, लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ डिसाइडिंग पॉलिसीज. ठीक है, डिसाइडिंग पॉलिसीज एंड गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट. ठीक है, और स्टेट्स को डायरेक्शन भी देता है. इट गिव सैंक्शन टू द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, उन पॉलिसीज के बारे में भी ये अच्छे से देखता है, स्टडी करता है जो एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं. ठीक है, अच्छा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ओके, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, माई गॉड, सो देर आर मेनी पॉइंट, देर आर मेनी फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, एंड आई थिंक इट्स ऑब्वियस. देख लेते हैं इनके बारे में भी, फंक्शनिंग, फंक्शंस रिलेटिंग टू फाइनेंस. ठीक है, तो द लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ इम्पोजिंग और रिड्यूसिंग टैक्सेस एंड अकॉर्डिंग सैंक्शंस टू एक्सपेंडिचर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. ठीक है,
तो जो है लेजिस्लेचर जो है वो एक और काम भी करता है, इम्पोजिंग और रिड्यूसिंग टैक्सेस, मतलब कि भैया कहाँ कहाँ पे जो है टैक्स को इम्पोज करना है, कहाँ कहाँ पे टैक्स को बढ़ाना है या कहाँ कहाँ पे टैक्सेस को घटाना है, ये सारे काम भी कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है, ठीक है। और ये भी देखता है कि एक्सिक्यूटिव पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम भी किसके हैं, अपने लेजिस्लेचर के, ठीक है। वर्क ऑफ इम्पोजिंग और रिड्यूसिंग टैक्सेस, सैंक्शंस टू एक्सपेंडिचर ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये सारे काम भी कौन करता है, अपना लेजिस्लेचर। दिस इज दस इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मनी, तो इसी वजह से वो कंट्रोल फील करता है मनी के ऊपर, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल, ठीक है। सारा पैसा गवर्नमेंट के पास कैसे जा रहा है, टैक्सेस से जा रहा है, गवर्नमेंट कमा थोड़ी रही है, टैक्सेस से ही तो आ रहा है जो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कमा नहीं रही है, कई जगहों पे जो है गवर्नमेंट की भी कुछ चीजें हैं जिसमें लोग टिकट्स देते हैं, टिकट्स खरीदते हैं, तो उससे पैसे जा रहे होते हैं कहीं कहीं पर, बट मोस्टली जो है उनके पास, गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आ रहा होता है, हमारे टैक्सेस से ही एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है उनके पास आ रही होती है, ठीक है। तो सिक्स कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट्स प्रेजेंटेड इन द हाउस, ठीक है। तो द मेंबर्स डेलिब्रेट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड प्रॉब्लम प्लेस्ड बिफोर द हाउस, ठीक है। तो दे डिस्कस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोज लॉ बिफोर पासिंग इट सो दैट द लॉ मे रियली बेनिफिट द पब्लिक। अगेन ये एक ही पॉइंट का एक्सटेंशन है कि जो अपना एग्जीक्यूटिव है वो लॉ बनाता है। आई डोंट थिंक दिस पॉइंट इज रियली रेलिवेंट। हाँ, बस यही चीज बोली गई है यहाँ पे कि जो कभी भी कोई लॉ पास करने से पहले जो सारे मेंबर्स के क्या ओपिनियंस हैं, क्या सब क्या चीजें वो बोल रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करता है लेजिस्लेचर किसी भी लॉ को पास करने से पहले, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला गया है, बेसिकली लॉ बनाता है लेजिस्लेचर। आई एम सॉरी, ठीक है। अब सेवेंथ के आप जुडिशियल फंक्शंस, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट इज जुडिशियल फंक्शंस। इन मेनी कंट्रीज द लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ जुडिशरी आल्सो, ठीक है। तो अगर हम बहुत सी कंट्रीज में देखें तो लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी का काम भी कर रहा होता है। सो इन मेनी कंट्रीज द लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ जुडिशरी आल्सो। द लेजिस्लेचर ओनली कैन रिमूव द प्रेसिडेंट बाय इम्पीचमेंट, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जो है वो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा ही रिमूव कर सकता है। इन अमेरिका ऑल्सो द लेजिस्लेचर टेक्स डिसीजन ऑन द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बेसिकली अगर अगर उसको रिमूव करना है, लेजिस्लेचर को जो है रिमूव करना है किसे, प्रेसिडेंट को, तो वो कैसे कर सकता है, इम्पीचमेंट के द्वारा ही उसको रिमूव किया जा सकता है, किसे, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इस यही कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज होती है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी का काम भी कर रहा होता है, बट आई डोंट थिंक कि इंडिया में ऐसा होता है। ऑल्दो फाइन, हमने स्टडी कर ली, वी आर नॉट जस्ट स्टडिंग अबाउट इंडिया, राइट, वी आर स्टडिंग अबाउट सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सो फाइन। एक और देख लेते हैं, पॉइंट क्या है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। सो सच सब्जेक्ट्स इन विच देर इज अ नेसेसिटी ऑफ गिविंग अ डीप थॉट वेयर माइन्यूट एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू इज नीडेड, लेजिस्लेचर अपॉइंट्स कमिटी एंड कमीशंस एंड ऑफिसर्स फॉर देम, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर कभी कुछ ऐसी बात आती है, कभी कहीं कहीं पे कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डीप है, उसके लिए बहुत ज्यादा एग्जामिन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चीजों को देख परख के डिसीजन लेने की जरूरत है, तो वहां पे जो है अपना जो लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर भी होती है कि वो कमिटीज बनाए, कमीशंस बनाए, ऑफिसर्स को अपॉइंट करे, और वो लोग जो है इन टर्न ऑन ग्राउंड जाके ये चीजें पता करें कि भैया वहां पे किस तरीके की चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये काम भी किसका है, अपने लेजिस्लेचर का है ये काम। सच सब्जेक्ट्स इन विच देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ गिविंग अ डीप थॉट और वे माइन्यूट एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू इज नीडेड, द लेजिस्लेचर अपॉइंट्स कमिटीज कमीशंस ऑफिसर्स फॉर देम, ठीक है। तो ये बात याद रखना, आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी जो है हमारे लेजिस्लेचर का बहुत कंट्रोल रहता है।
तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है. इन मेनी कंट्रीज ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर. ठीक है, तो बहुत सी कंट्रीज में आई थिंक इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, बहुत कंट्रीज में जो है अगर अपन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स की बात करें अदर कंट्रीज के साथ, अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ कोई ट्रीटी की बात करते हैं, कुछ कुछ डील्स की बात करते हैं, तो वो तब तक इन्फोर्स नहीं किया जाता, तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक लेजिस्लेचर से अप्रूवल ना मिल जाए. जब तक लेजिस्लेचर इस चीज के लिए हाँ ना बोल दे, तब तक जो है दूसरे देशों से हम ट्रीटी से एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते हैं. इन मेनी कंट्रीज परमिशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज नेसेसरी फॉर वेगिंग अ वॉर विथ अनदर कंट्री. ठीक है, तो बहुत सी कंट्रीज में जो है परमिशन ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर की परमिशन बहुत जरूरी होती है अगर हम एक वॉर चालू कर रहे हैं या फिर एक वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्रीज के साथ. तो देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी पावर है लेजिस्लेचर के साथ कि भैया तुम्हें अब तुम दूसरे कंट्रीज के साथ किस तरीके के रिलेशन बना रहे हो, मे बी इन द सेक्टर ऑफ ट्रेड बिजनेस और वॉर. ठीक है, इस तरह के जितने भी फैक्टर्स होते हैं जिसमें तुम ये डिटरमाइन करते हो कि तुम्हारे कैसे रिलेशंस बन रहे हैं दूसरी कंट्री के साथ, वो सारी ये चीज़ें कहीं ना कहीं कौन कंट्रोल कर रहा है, लेजिस्लेचर कंट्रोल कर रहा है. उसके परमिशन के बिना तुम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ वर्क रिलेटिंग टू इलेक्शंस. सो इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो प्रेसिडेंट होता है हमारा वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्ट करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा. एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन मेनी कंट्रीज द लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ इलेक्शन. ठीक है, तो अगर हम बहुत सी कंट्रीज में बात करें, मेनी कंट्रीज में अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर जो होता है वो इलेक्शन का काम भी करता है. ठीक है, तो ये थे 10 पॉइंट जिन्होंने बताया कि बेसिकली लेजिस्लेचर की इंपॉर्टेंस क्या है, लेजिस्लेचर के फंक्शंस क्या है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इंडिया पार्लियामेंट के बारे में बताया है. मैं सोची थी कि इससे पहले इसके नोट्स लिखवा दूँ फिर आगे बढ़े, है ना. ठीक है, वैसे इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इन्होंने हर चीज़ का जो है पॉइंट में ही दिया है, लाइक फ्रेमिंग लॉज अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी पॉइंट में दी हुई है. ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो वो थी डेफिनेशन, जिसको मैं मार्क करा देती हूँ. आई थिंक इट वुड बी इनफ, है ना. यहाँ पे क्या था, सबसे पहले इन्होंने लेजिस्लेचर का बताया था. ठीक है, कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच फ्रेम लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेचर. Organ which enforces the laws, ensures that they are allowed in, is called the executive. Followed is called executive. Organs which punishes those who do, organs which punishes those who do not follow obey them is called the judiciary. ठीक है, तो ये basically definition है. अगर तुम लोग को written में आ रही है तो ये definition है. तीनों की एक शॉर्ट ब्रीफ डेफिनेशन है. ये पॉइंट से वैसे भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया तीन ऑर्गन्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट, तीन ऑर्गन्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी. ठीक है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत टफ है. लेजिस्लेचर के बारे में हमने देख लिया कि उसने किस किस तरह के पॉइंट्स होते हैं, फ्रेमिंग लॉस अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस टू डिसाइड पॉलिसीज फॉर स्टेट एंड द गवर्नमेंट, है ना. फंक्शंस रिलेटेड टू फाइनेंस, डिस्कसिंग ऑफ सब्जेक्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस, जुडिशियल फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज, है ना, कंट्रोल ओवर फॉरन पॉलिसीज, वर्क रिलेटेड टू द इलेक्शंस. तो हमने सारे चीज़ों को जो है पढ़ लिया है. आगे अपन देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में. Indian Parliament. Fine. In our country, the legislature at the center is called the Sansad, Parliament. It has two houses. ठीक है, तो अगर हम हमारी country की बात करें तो जो legislature है center में is called the Sansad, Parliament. It has two houses. ठीक है, तो ये बहुत ही important चीज़ है भैया. यहाँ पे ये जो line है in I'm so sorry.
इन आर कंट्री द लेजिस्लेचर एट द सेंटर, जो लेजिस्लेचर है सेंटर में, यू नो यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंटर इज द कॉल्ड, यहाँ पे कुछ तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है इनसे, एट द सेंटर इज कॉल्ड संसद, या फिर कह सकते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, इट हैज टू हाउसेस, ठीक है, उसमें दो हाउसेस होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है अपना लोकसभा, हाउसेस ऑफ द पीपल, और एक होता है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो लोकसभा है इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, किसको, लोकसभा को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम, अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना कि ये क्या है, लोअर हाउस है, और ये क्या है, अपर हाउस है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, अगर हम ऐसे भी देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, लोकसभा को क्या बोलेंगे, हाउसेस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा को क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, although there are two houses of parliament, president of India is their integral part, ठीक है, तो भैया although दो houses होते हैं parliament के, there are two houses of parliament, लेकिन जो president of India, मतलब India के जो president है ना, उसे वो एक integral part है parliament की, thus the parliament comprises of the houses of the people, the council of states and the president, ठीक है, तो parliament के अगर हम देखा जाए mainly कितने parts हैं या कितने you know elements होते हैं एक parliament में, तो हमारे country में अगर देखा जाए तो एक तो houses of the people यानी कि लोकसभा, the council of the states यानी कि राज्यसभा, और president, ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी बहुत important है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, हाउसेस ऑफ पीपल, ठीक है, इट इज द लोअर हाउस, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस हाउस इज 545, ठीक है, तो अगर हम हाउसेस ऑफ पीपल की बात करें तो ये लोअर हाउस है, मैक्स मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, अपन ने देखा था ना वहां पे क्या है, ये लोकसभा, इसे क्या बोलते हैं, हाउसेस ऑफ पीपल, ये क्या है, लोअर हाउस है, तो वही कहा जा रहा है, हाउसेस ऑफ पीपल क्या है बेसिकली, लोकसभा को बोला जा रहा है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ओहो सॉरी, लोक सभा, ठीक है, ये क्या है, हाउसेस ऑफ पीपल, नाउ इट इज द लोअर हाउस, ऑब्वियस ही बात है, ये हमने देखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस हाउस इज 545, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया लोअर हाउस में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं इस हाउस में, लोकसभा में 545, याद रखना, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, हाँ ना, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से, लोग जिन्हें इलेक्शन इलेक्ट करते हैं, जो वोटर्स जिन्हें कह सकते हैं, वोट्स के द्वारा जो इलेक्शन होती है उससे ये लोग इलेक्ट होते हैं, किसके मेंबर्स, ये 545 मेंबर्स लोकसभा के, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या हो रहा है कि अलग अलग रीजन ऑफ इंडिया से जो है लोग डायरेक्टली इनको इलेक्ट करते हैं और देन ये लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात, इफ द हाउस इज नॉट डिसॉल्व्ड प्रीमैच्योर इट्स टेन्योर इज फॉर 5 years, ठीक है, वन सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द हाउस इज नॉट डिसॉल्व्ड प्रीमैच्योर इट्स टेन्योर इज फॉर 5 years, ठीक है, इन द हाउस ऑफ पीपल 29 इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि भैया जो टेन्योर होता है किस पार्लियामेंट का वो क्या होता है, 5 साल का होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल का होता है, और क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बुक है, ये एमपी बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश को जानना बहुत जरूरी है, इवन इफ एन एनटीएससी थिंग, ये क्या है,
एनटीएससी क्या मध्य प्रदेश का हो रहा है, तो अपन को वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में अच्छे से जानना हर चीज में। तो इन द हाउस ऑफ पीपल 29 इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर फ्रॉम मध्य प्रदेश, मतलब कि ये 545 मेंबर्स अपन ने देखा वहां पे ऊपर, तो मध्य प्रदेश से वहां पे कितने लोग हैं? 29 इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, आर देयर फ्रॉम मध्य प्रदेश, 29 इलेक्टेड मेंबर्स, फाइन। Any citizen of India who has completed 18 years of age can vote for the election to the House of People. ठीक है, तो कोई भी citizen of India जिसने 18 साल से ऊपर का जो है वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है इलेक्शन में, ठीक है, House of People के लिए। ठीक है, although the tenure of House of People is for 5 years, the president may on the advice of the prime minister dissolve the house before 5 years. ठीक है, तो वैसे तो जो tenure है, tenure मतलब समय, ठीक है, तो जो टेन्योर है हाउस ऑफ पीपल के लिए वो क्या है, 5 years का है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से हाउस को 5 years से पहले ही डिसॉल्व कर दे, मतलब कि डिसमिस कर दे, एक नया इलेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ऑफिसर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल आर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो जो ऑफिसर्स होते हैं हाउस ऑफ पीपल के वो लोग कौन होते हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। द लोकसभा इलेक्ट्स द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग्स इट मेंबर्स। ठीक है, तो लोकसभा होता है वो इलेक्ट करता है स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर को फ्रॉम अमंग्स मेंबर्स, मतलब अपने मेंबर्स में से ही किसी को इलेक्ट कर लिया जाता है, किसको, एक स्पीकर बनता है, एक डेप्यूटी स्पीकर बनता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। लोकसभा, सॉरी पूरा ही चला गया। सो लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग्स इट मेंबर्स, फाइन। लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जो स्पीकर के हैं बेसिकली लोकसभा के। तो सबसे पहला क्या है, टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, कि भैया हाउस में जो सिटिंग्स है उसके बारे में देखे, टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, हाउस के बिजनेसेस के बारे में देखे, टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस, जो हाउस है उसमें शांति वांति बने रहे, ऑर्डर बने रहे। ठीक है, टू डिसाइड वेदर एनी बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ठीक है, ये देखे कि भाई कोई बिल मनी बिल है या नहीं। टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज ऑफ हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, कमिटीज को देखे हाउस ऑफ पीपल की। Protect the right of members, सारे members के right को देखे। To allocate time for discussion on a subject in the house, एक समय निर्धारित किया जाए कि भैया कितना discussion होगा किसी subject पे। In the absence of the speaker, the deputy speaker conducts the business of the house. अगर speaker नहीं है तो क्या होगा कि deputy speaker जो होगा वो businesses को देखेगा house के। ठीक है, तो ये सारी चीजें clear हो गई। यहाँ पे कुछ important है तो मैं लिखवा देती हूँ। हाउस ऑफ पीपल था ना, हमने लोकसभा के बारे में देखा, पावर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर्स ऑफ लोकसभा चालू हो रही है, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीजें चालू हो रही हैं। तो अपन इनके बारे में बाद में देखते हैं, पहले मैं इसके नोट्स लिखवा देती हूँ। Okay, so we are studying about
सॉरी ठीक है, इतनी बातें याद रखना अपने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कि भैया यही दो हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट के, जो कि सेंटर में है, हमारे लेजिस्लेचर का भी बोल सकते हैं। तो ये है एक लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा जो है लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। लोकसभा जो लोकसभा में जो लोग हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से जो है आते हैं, वोटर्स के थ्रू आते हैं। कोई भी 18 साल से ऊपर का बंदा इसके लिए वोट कर सकता है। राज्यसभा में जो है लोग डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई अपने लोकसभा राज्यसभा के लिए। ठीक है, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है और ठीक है, तो थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं गवर्नमेंट के। एक होता है हाउसेस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और तीसरी क्या है, अपनी प्रेसिडेंट। ठीक है, अब अपन हाउसेस ऑफ द पीपल या लोकसभा के बारे में देख लेते हैं, उनकी स्पेशलिटीज देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा लूँ, तुम लोग अगर लिख रहे हो पॉइंट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर लिख रहे हो, तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट इज अ लोअर हाउस, ऑब्वियसली बात है। सबसे पहला पॉइंट ये क्या है हमारा, लोअर हाउस है। देन व्हाट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितने हो सकते हैं इसमें, फोर फोर्टी फाइव, 45। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और क्या होता है भैया इसमें कि कोई भी बंदा यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। हाँ By voters. इनका tenure कितना होता है, 5 years. Although tenure can be dismissed
बाय द प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश से कितने लोग जाते हैं भैया, यहाँ के मेंबर कौन बनते हैं? 29 मेंबर्स। फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पे वोटर्स कितने होने चाहिए? 18 प्लस एज इज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ वोटर, राइट। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ स्पीकर, एंड अ डेप्यूटी स्पीकर, इन लोकसभा, ठीक है। और उसके जो फंक्शंस हैं वो अपन देख चुके हैं यहाँ पे भैया, ये सारे फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें कर लेने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। ये नंबर्स एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए हमें लोकसभा के बारे में, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये स्पीकर्स और डिप्यूटी स्पीकर्स के फंक्शंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरा तुम लोग कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं, पावर्स ऑफ लोकसभा, हाउसेस ऑफ द पीपल, तो ये कितना है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इसको हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। अभी मैं बता देती हूँ कि आज हमने क्या क्या किया है। तो आज मैं बता चुकी हूँ कि हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया भैया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीन तरह के होते हैं, हमने ये पढ़ चुका है, ठीक है। इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स थे, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, ये सारे देख लिए थे। फिर हम इंडियन पार्लियामेंट में आए थे, हमने देखा कि इसके दो पार्ट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सब चीजें देखी हमने, ठीक है। और क्या एलिमेंट्स होते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें देखी। हाउसेस, हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के बारे में जितनी भी स्पेशलिटी थी वो हमने देखा, कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मध्य प्रदेश से 29 इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं, 5 साल का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। तो और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 545 मेंबर्स होते हैं। तो ये हमने देखा, इसके आगे का जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो टाटा।